लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स के आने के बाद से यूनिट लिंक्ड इंश्योरेंस प्लान और इक्विटी लिंक्ड सेविंग स्कीम बाजार में निवेश का एक अच्छा जरिया बन गए हैं, क्योंकि ये टैक्स बचत के साथ साथ इन्वेस्टमेंट बेनिफिट भी देते हैं। पर इन दोनों में से क्या बेहतर है, देखिए ये रिपोर्ट। साल 2018-19 के बजट के पेश होने के बाद से खुदरा निवेशकों यानी रिटेल इन्वेस्टरों की परेशानी और बढ़ गई है, क्योंकि बाजार में एक साल से ज्यादा हुए निवेश पर अगर कमाया हुआ लाभ 1,00,000 रुपए से ज्यादा होता है तो 10% का लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स यानी LTCG टैक्स निवेशकों को देना होगा। इस टैक्स के लागू होने से पहले लोग अपनी आय को टैक्स फ्री करने के लिए म्यूचुअल फंड्स में निवेश किया करते थे, पर LTCG टैक्स के लगते ही निवेशकों द्वारा निवेश करने के लिए ULIP यानी यूनिट लिंक्ड इंश्योरेंस प्लान्स और ELSS यानी इक्विटी लिंक्ड सेविंग स्कीम एक बेहतर ऑप्शन बन जाएगा। अगर इनके फायदे देखें तो एक निवेशक अगर ULIP में निवेश करता है तो उसे मॉर्टेलिटी चार्ज, फंड मैनेजमेंट चार्ज, पॉलिसी एडमिनिस्ट्रेशन चार्ज, प्रीमियम एलोकेशन चार्ज देना पड़ता है, पर ELSS में मैनेजमेंट फीस और एक्सपेंसेस का चार्ज लगता है, पर दोनों ही चार्जेस आपकी पॉलिसी और NAV में लगे हुए होते हैं। ULIP एक इन्वेस्टमेंट के साथ साथ इंश्योरेंस का ऑप्शन देता है, जिससे आपका परिवार भी सुरक्षित रहता है। वहीं ELSS म्यूचुअल फंड में सिर्फ इन्वेस्टमेंट किया जाता है। ULIP में निवेश लंबे समय के लिए किया जाता है और इसमें कम से कम निवेश 5 साल का होता है। इसके बाद आप इसमें से थोड़ी थोड़ी करके राशि निकाल सकते हैं। वहीं ELSS में कम से कम 3 साल का निवेश होता है। गौर करने वाली बात यह है कि ULIP में लंबे समय के बावजूद भी LTCG टैक्स इस पर नहीं लगता, पर ELSS में इक्विटी का एक्सपोजर ज्यादा होने के कारण LTCG टैक्स इस पर लगेगा। ULIP में इन सब के साथ ही निवेशक को 1,50,000 का ATC का टैक्स बेनिफिट, 1010D के जरिए इंश्योरेंस और इन्वेस्टमेंट का बेनिफिट मिलता है, पर ELSS में निवेशक को सिर्फ 1,50,000 का ATC का टैक्स बेनिफिट ही मिलता है। पर निवेशक के लिए क्या बेहतर है, ये उनकी ज़रूरत पर भी निर्भर करता है। मार्च 2018 तक 80,583 करोड़ रुपए निवेश ELSS यानी इक्विटी लिंक्ड सेविंग स्कीम में किए गए थे। मार्च 2018 तक देश में कुल 2,11,00,000 SIP के अकाउंट्स हो गए थे। पिछले साल में सिर्फ 60,00,000 अकाउंट्स खोले गए थे। सिर्फ मार्च 2018 के महीने में 7,119 करोड़ रुपये SIP के जरिए जमा किए गए थे। वित्त वर्ष 2015-16 के मुकाबले 2016-17 में ULIPS के प्रीमियम में 12.7% की बढ़त देखी गई थी। 2010 के बाद से ULIP के चार्जेस कम होने की वजह से ULIP लंबे समय के इन्वेस्टमेंट के लिए एक बेहतर ऑप्शन बन गया है, क्योंकि इसमें इंश्योरेंस भी रहता है, पर छोटे समय की ज़रूरतों के लिए म्यूचुअल फंड्स और ELSS भी एक अच्छा जरिया है। उज़ैर अली जाफरी की रिपोर्ट, गो न्यूज़।